राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने सोमवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में जिले भर से कई फरियादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। यहां जिला मुख्यालय पर उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद आयोजित खुली जनसुनवाई में उन्होंने आमजन की समस्याएं सुन त्वरित कार्यवाही करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में जिले भर के अलग अलग इलाकों से पेयजल, खाद्य आपूर्ति, नगर परिषद, अपराध और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को लेकर कई परिवार उनके पास पहुंचे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने उनकी जनसुनवाई के दौरान सेना के एक जवान ने उसके और उसके परिवार की जान को खतरा होने और सुरक्षा की मांग को लेकर गुहार की है। वहीं बीजराड़ थाने में 11 महीने से फरार नाबालिग के बलात्कार के आरोपी को पकड़ने की गुहार को लेकर नाबालिग पीड़िता पहुंची। वहीं कुबड़िया सरपंच अपने हितों के साथ कुठाराघात को लेकर ज्ञापन लेकर पहुंची। जनसुनवाई में सोमवार को व्यापारी की आत्महत्या के मामले की ही सही जांच का भी मामला पहुंचा। उपाय उसके भी आपसे निर्देश दिए हमारे जिला कलेक्टर ने, उन्होंने भी यहाँ पे एश्योर किया है जो लोग आए सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेके, उनको भी तुरंत हमने पंचायत समिति है जिला परिषद उनको भी बुला लिया, यहाँ जलदाय विभाग के अधिकारी उनको भी बुला लिया और जो जो आवश्यक निर्देश देने वो दिए हैं। मुख्यतः अतिक्रमण की सुरक्षा की और पुलिस के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया कि वो कार्रवाई नहीं कर गए, ये एक होता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा आज का आज काम हो, लेकिन एक प्रक्रिया तरीके से काम किया जाता है वो पुलिस कर रही है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी मानव के अधिकारों की रक्षा होगी और हमारी सुनवाई के जहाँ तक बात है, ये हो सकता है कि वहाँ मिले और कार्य की अधिकता के कारण वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज व्यक्तिश यहाँ जिलाधीश और जिला पुलिस अधीक्षक विराजमान है, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि डॉक्यूमेंट्स और अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट लाए, अभी भी मेरे सामने बैठे वो डॉक्यूमेंट्स में पुलिस अधीक्षक पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उसके अधिकारों पर हमारे उनके अधिकार, वैक्सीन की कमी नहीं है, अभी जिला जीश महोदय ने बताया कि अभी वैक्सीन की कमी नहीं है, समय पर उपलब्ध हो रही है, आज अगर कमी हो जाती है तो दूसरे दिन हम मंगाते तो आ जाती है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का पीएम को पत्र लिखने के, तो हम तो लिखेंगे क्योंकि अगर कोई कमी होगी तो देश के सभी सर्वा को लिखना पड़ेगा, और इतनी सजगता से हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो हमारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं और आप सब लोगों को खुश होना चाहिए वो अपना काम। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने सेना के जवान की गुहार पर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को इस परिवार को सुरक्षा प्रदान कर हस्तक्षेप कर रहे लोगों को रोकने के आदेश नोटिस भेजकर जवाब तलब करने के आदेश जारी किए गए। वहीं अन्य सभी मामलों को संबंधित विभागों की कार्यवाही के लिए प्रेषित किए हैं। जनसुनवाई में बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह सहित कई विभागों के विभागाधिकारी मौजूद रहे।